हाय फ्रेंड, मैं हूं कृष्णा। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइनिंग ज्ञान में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको रेडमी मोबाइल का डिस्प्ले कलर कैसे चेंज किया जाता है इसके बारे में बताऊंगा, जिससे दोस्तों फ़ायदा यह होगा कि आपके मोबाइल में यदि आप डिस्प्ले कलर को चेंज कर दीजिएगा तो आपके मोबाइल का पूरा लुक ही बदल जाएगा, बहुत एडवांस आपका मोबाइल लगने लगेगा। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, सो वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में सेटिंग को ओपन कर लेना है, जिस तरह से मैं अपने मोबाइल में सेटिंग को ओपन कर लिया हूँ। सेटिंग को ओपन कर लेने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है, आपको डिस्प्ले के ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों कहीं भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, जिससे आपको मोबाइल का पूरा लुक ही एडवांस लगने लगेगा। ठीक है, तो देखिए, आपको डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 3 नंबर में कलर स्कीम का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको सिंपली से कलर स्कीम पे क्लिक कर देना है। यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, देखो, ये आपको ऑटो का दिख रहा है, सैचुरेटेड का दिख रहा है, स्टैंडर्ड का दिख रहा है। ठीक है, तो मैं आपको तीनों पे पहले करके दिखाता हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपको चेंज करना है, जिससे आपका मोबाइल का लुक जो बहुत एडवांस लगने लगेगा। ठीक है, देखिए, आपको सैचुरेटेड पर कीजिएगा तो आपको कलर जो है इस तरह से आएगा, आप स्टैंडर्ड पर जैसे कीजिएगा तो आपको इस तरह से आने लगेगा। उसके बाद आपको कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं, तो आपको नीचे आना है, ऑटो पे आपको पहले क्लिक करना है। ऑटो पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से देखिए, आप यहाँ से आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन है, डिफ़ॉल्ट पे कीजिएगा तो आपका कलर जो है इस तरह से आएगा। उसके बाद आपको वार्म पे जैसे ही कीजिएगा तो इस तरह से आएगा, कूल पे कीजिएगा तो इस तरह आएगा, कस्टम पे कीजिएगा तो कस्टम पे तो आप अपने मोबाइल का जो कलर डिस्प्ले है उस तरह से अपने हिसाब से रख सकते हैं। देखिए, मैं इस तरह से रखा हूँ तो मेरे मोबाइल का जो कलर है वो पूरी तरह से ग्रीन हो चुका है। अब मैं आपको मोबाइल का कलर जो है डिस्प्ले कलर उसे पिंक करके दिखाता हूँ। देखिए, मेरे मोबाइल का जो डिस्प्ले कलर है पूरी तरह से पिंक हो चुका है। तो इसी तरह से आपको अपने मोबाइल में कलर सेट कर लेना है। कलर सेट करने के बाद आपको बैक चले जाना है, जिससे आपका मोबाइल का जो लुक है इसी कलर में दिखने लगेगा, डिस्प्ले लुक। ठीक है, तो दोस्तों, मेरा इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।